दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे नसीब फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नसीब सन 1998 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में गोविंदा, ममता कुलकर्णी, सईद जाफरी, अजीत वचानी, बीना बनर्जी, शक्ति कपूर, दिनेश हिंगू, कादर खान और राहुल रॉय नजर आए थे। इस फिल्म को कीर्ति कुमार ने डायरेक्ट किया था। प्रोड्यूस किया था विनय कुमार सिन्हा और शांति सिन्हा ने। और इस फिल्म की कहानी शाखा संपंग ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स आदेश के अर्जुन ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 80 स्क्रीन के साथ 18 दिसंबर सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,75,00,000 था। इस फिल्म ने इंडिया में 1,50,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 21,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 93,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2,64,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1998 की 52nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिए थे और उसकी लिरिक समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे। आज के कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे पर फिल्म का एक गाना शिकवा नहीं किसी से, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था जिसे कुमार सानू ने गाया था। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म पहले सन 1996 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ कारण से ये फिल्म 2 साल डिले होने के बाद रिलीज हुई थी। नंबर 2, कादर खान इस नसीब फिल्म के अलावा सन 1981 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म नसीब में भी नजर आए थे। नंबर 3, ये फिल्म गोविंदा और ममता कुलकर्णी की साथ में तीसरी और आखिरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने साथ में किस्मत और आंदोलन फिल्म में भी काम किया था। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।